तो चले भाई लोग जामुन खाने। ये जामुन का पेड़ आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। जामुन खाने के लिए भी हम लोग जाने वाले हैं। पिछले साल भी मैंने वीडियो बनाया था जामुन के ऊपर और जामुन के पेड़ के ऊपर में, तो आज मम्मी भी जा रही है मेरे साथ में और गीता भी। और इधर देखो यार आप लोग, ये अमरूद का पेड़, इसमें फल लगने लगे हैं। ये देखिए सही है ना। अरे पान के पत्ते तो भाई मैं न जाने कितने बार दिखा चुका हूँ। और आप लोगों को याद होगा यहाँ पर मैंने गिलोय लगाया हुआ था, ये भी हो चला है। नीम के पेड़ के आसपास इसको लगाना ज़्यादा गुणकारी माना जाता है, अगर इसका बेल नीम के पेड़ के ऊपर में जाए, है ना। लेकिन नीम के पेड़ के पास भी मैंने लगाया हुआ है वहाँ पुराने घर में, यहाँ तो कोई नीम का पेड़ नहीं है भाई। कितने सारे कपड़े धुले हुए हैं देखिए, अभी धूप नहीं हो रहा है कुछ दिनों से, तो काफ़ी सारे हो गए थे ना। इधर में देखो, ये मेरे बड़े पापा लोगों का गोठान है। मेरी मम्मी लोग तो वेट ही नहीं कर रहे हैं यार मेरा। क्यों रे भागे तरकोर छोगे। यहाँ पर एक बड़ी मम्मी रहती थी दोस्तों, बहुत पहले बुजुर्ग हो चली थी काफी, अभी तक वो जिंदा हैं। मुझे आज भी याद है ये अमरूद के पेड़ वगैरह में हम लोग चढ़ते थे वो आम का पेड़ खाने के लिए, तो बहुत चिल्लाती थी, बहुत डांटती थी। खैर जो भी गांव में रहते हैं एक्सपीरियंस सबके साथ हुआ होगा। इसमें देखिए धान लगाए हैं, ये रोपा करने के लिए है। ये यहाँ से लेकर जाएंगे जिन खेतों में हम लोग रोपा लगाएंगे। और ये पुराना घर का बाड़ी, इधर घर है। काफ़ी बार मैं दिखा चुका हूँ, जो मेरे नए दोस्त जुड़े हैं मुझसे मैं फिर से बता देता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िला से हूँ। कोतबा नगर पंचायत के पास में है मेरा गाँव, खजरी ढाब गाँव का नाम है। ये कुआं, ये बेल का पेड़, मेरी मम्मी बहुत शर्मीली हैं दोस्तों, कैमरे पे आना उनको कम पसंद है। और इसलिए मैं उनको फोर्स भी नहीं करता कि आप कैमरे पे आओ, जस्ट उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं ऐसा शूट कर रहा हूँ, लेकिन उनको कुछ बोलने के लिए बोला जाए, है ना, तो उनसे नहीं होता। ये हम लोगों का खेत है दोस्तों, बारिश ही ना इसका नाम है। और मम्मी से मिली आप लोग। हाय। ये गीता। चलिए खेती तो हम लोग शुरू से करते आए हैं, लेकिन एक दो साल के लिए बीच में हम लोगों ने बंद कर दिया था, लेकिन अभी 3-4 साल हो रहे हैं कि फिर से खेती करना शुरू कर दिए हैं। ये जामुन का पेड़ यार बहुत जल्द ख़त्म होने के कगार पर, इस बार देखिए बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। आज सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं और इतना एक्साइटमेंट जामुन खाने को लेकर मुझे था, लेकिन जितना उम्मीद था, मैं इस साल पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ। मम्मी ने बताया था कि बहुत ही ज़्यादा फला हुआ है, लेकिन ख़त्म होने के कगार पे है बहुत जल्द। और आज सुबह का नाश्ता ये है, पता नहीं खाली पेट में जामुन खाना कितना सही है या नहीं, लेकिन फ्रूट है भाई, अच्छा ही होगा। चलो कोयल आवाज़ दो। कीला कतर कतर महीन वो, विश्वास कर। कर रहे है कोयल। कर। कोयल, कोयल की बहुत ही प्यारी सी मधुर आवाज आई थी दोस्तों, लेकिन जब कैमरा चालू किया मैंने तो बंद हो गया। चढ़ा था दोस्तों मैं ऊपर में यार, बहुत ही किनारे किनारे में है, एकदम छोटे छोटे जो डगाल है ना उसमें। और आप लोगों को पता है जामुन का पेड़ उसमें जो डगाल होते हैं वो सब बहुत ही फिसलन भरा होता है और नाजुक होता है ना, तो मैंने खतरा मोल नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात की यार लाल चींटी थे बहुत सारे, उसमें भी डिस्टर्ब हो रहा था। पिछले साल का वीडियो आप लोग देखें दोस्तों, बहुत ही प्यारा वीडियो बना था यार, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग प्लीज देखें। जो ताजे ताजे जामुन हैं वो उठा रहे हैं दोस्तों हम लोग, यही खा के काम चलाएंगे यार, है ना। पेड़ पे चढ़ना मुझे सही नहीं लगा, एक तो गीला है, फिसलन भरा है जैसा कि मैंने बताया, नाजुक भी होता है और चींटी भी, लाल चींटी। धोना पड़ेगा एक बार। आसपास के कुछ और जामुन के पेड़ होंगे तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। और दोस्तों आप लोग पूछ रहे थे कि सत्या भाई कहाँ है, क्यों नहीं बता रहे हो, क्यों वीडियो नहीं बना रहे उसके साथ में। यार वो विशाखापट्टनम गया हुआ है जॉब के लिए, तो पता नहीं कब आएगा। उसका फ़ोन भी ऑफ है, फेसबुक पे उससे बात हुई थी,
वो बोल रहा था कि सुबह 6 बजे से रात के 9 बजे तक बिजी रहता है, टाइम नहीं मिलता है। ये दीदी है मेरी, बसंती दीदी। देखा हो गया यार खाने लायक का, और क्या चाहिए, है ना। हवा पानी में देखिए क्या हाल हुआ है पेड़ों का। ये नीलगिरी पेड़ हैं, इधर में एक उधर, आके ले जाएंगे इसको, काम आएगा। इधर देखिए, इधर काफ़ी सारे सांप हो सकते हैं, हमारे प्रकृति मित्र हैं दोस्तों। सांपों को आप देखें तो कृपया ना मारें, इनका होना प्रकृति में बहुत ही ज़रूरी है। कहाँ हो मेरे प्यारे दोस्तों? पुराने घर में घूमते हुए जाते हैं भावेश और जो मेरा मितान है छोटा बच्चा दीपक, उससे काफ़ी दिनों से आप लोग नहीं मिले हैं। यार बहुत जल्द पिकनिक भी करेंगे, पहले आए दिन करते रहते थे। आ गए हम लोग पुराने घर में और आते ही इधर मिली आप लोग भावेश से। यार हेलो। ये देखो और इधर देखें आप लोग पुराना घर और यहाँ का हाल अभी कैसा है। ये मिंट है, ये फ्लावर, और ये तो बारह मासी वाला अमरूद का पेड़, इसमें 12 महीने अमरूद फले होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। और देखिए कितना ज़्यादा फला हुआ है यार, है ना। आप लोग भी आए दोस्तों खाने के लिए। फ्यूचर में यहाँ का कुछ मैंने अलग ही प्लान सोचा हुआ है दोस्तों, अलग ही कॉन्सेप्ट। उसके लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो अभी यहाँ पर उतना नहीं ध्यान दे पा रहा हूँ, बस फ्यूचर का है ये, बाकी बहुत ही सही होगा। इधर तो रही डोड़का, आप लोगों को पसंद है क्या? इधर बरबट्टी, इधर बरबट्टी खिला करे, दो चार टा थोड़ी होड़ा। और इधर देखिए आप लोग, हेरा फेरी वाला टॉयलेट। कुछ दिनों के बाद में यहाँ पे मशरूम होने लगेगा, अभी तो नहीं है। और मैं बोल रहा था नीम के पेड़ के पास भी किलोई लगाया हुआ है, वो भी हो गया है। ये देखिए, ये नीम का पेड़ है और यहाँ पे मैंने लगाया हुआ था काफ़ी दिन पहले गिलोय, ये तो लगभग ख़त्म था भाई, लेकिन अभी बारिश हुई लगातार तो अभी होने लगा है। देखो गिलोय के बारे में आप सबको पता है, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ था, एक प्राकृतिक औषधि है, बहुत ही गुणकारी है ना। तो भाई ये तैयार है धुल के जामुन खाने के लिए, मैं मम्मी को खिलाता हूँ, मम्मी मुझे खिलाओ। और आप लोग बताइए मुझे, आप लोगों की तरफ जामुन हुआ है नहीं इस बार, और आप लोगों ने ट्राई किया या नहीं, खाया नहीं? जामुन तो हम लोग लेके आए, जामुन खाए भी, लेकिन यार पेड़ पे चढ़कर वो रसीले रसीले ताजे ताजे जामुन खाने का मजा ही अलग है। पिछले साल मैंने ऐसा किया था, वीडियो भी शेयर किया था आप लोगों से, और आप लोगों ने बहुत पसंद भी किया था, लेकिन इस बार यार ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। मैं सोच रहा हूँ कि आज शाम को या फिर दोपहर में आसपास के कुछ और जो जामुन के पेड़ हैं उधर में जाएं खाने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर जाएंगे तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल यहाँ तक ये वीडियो मैं एडिट करके भी डाल देता हूँ। आज 30 जून 2022 है और 11:20 हो रहे हैं। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों से मिलूंगा। अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।